अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए मेहमान के साथ आपका होस्ट हसन अब्बासज़ादी आज खिदमत है। आज मेरी जो मेहमान है वो बहुत बासलाहियत अदाकारा और परफॉर्मर है। स्टेज और टेलीविजन में उन्होंने बहुत सारा काम किया, आपकी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आज का जो इंटरव्यू है उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके कैरियर के दौरान जो उतार चढ़ाव आए वो कैसे रहे, और नाज के बाद वो महफिल में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरने जा रही हैं। तो हमारी मेहमान है तबस्सुम खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम खान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तबस्सुम खान साहिबा, आपने नाज में काम किया, कैसा रहा आपका तजर्बा? जी ये बहुत अच्छा किया, ये प्ले बहुत अच्छा है, इसके प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं, इसकी कास्ट भी बहुत अच्छी थी, और काम करने का मज़ा आया और पब्लिक ने लाइक किया और हमने अपना परफॉर्मेंस जोशो खरोश से किया है। अच्छा आप नेक्स्ट पहल आप महफिल में करने जा रही हैं, और महफिल के लिए क्या कोई नए डांस आइटम आपने तैयार किए? जी मैं महफिल में नई आइटम तैयार करूंगी, लेकिन बस वो बताऊंगी नहीं, वो खुद ही लोग देखेंगे। अच्छा यानी लोग बताएंगे कि आपने कैसा काम किया। जी बिल्कुल। अच्छा टेलीविजन में आपने काम किया तो कुछ उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी मैंने फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक काम नहीं किया, मैंने टैली फिल्म में भी नहीं काम किया, मैंने सिर्फ टैली मतलब कि टीवी पे काम किया है, वो भी थोड़ा सा, लेकिन मैंने स्टेज जो प्रॉपर की है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हर जो अदाकारा या परफॉर्मर होती है वो किसी न किसी को आइडियल समझती है, इस फील्ड में थिएटर की दुनिया में आपकी आइडियल कौन सी अदाकारा है? जी मैं तो मैडम नरगिस को ही लाइक करती हूँ, किसी को भी नहीं। अच्छा उसके अलावा आपको कोई पसंद नहीं? नहीं। या आप समझती हैं कि उनके अलावा कोई परफॉर्मर पैदा ही नहीं? नहीं सब अच्छी हैं, लेकिन मैं लाइक उनको करती हूँ। अच्छा तो नरगिस साहिबा ने तो अब छोड़ दिया है, तो आपकी ख्वाहिश है कि वो दोबारा वापस आए? जी मेरी है ख्वाहिश के वो आए, वैसे ही दुनिया आए, उनको लाइक करें, उनके साथ बाहर थी वैसे फिर हो। अच्छा ये बताइए कि जब आप फारिग होती हैं तो क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, मैं घर होती हूँ। अच्छा जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार आप अपने किस फैमिली मेंबर को रखते हैं? जी मैं अपनी माँ से करती हूँ। अच्छा आपने शादी कर ली? जी मैंने शादी, ये आपने कैसा सवाल किया? नहीं सवाल नहीं, शादी तो आदमी बंदा जो आता है दुनिया में वो शादी करता है। ये मैंने कहा शादी कर ली है, अगर आपने कर ली है तो ठीक है, नहीं नहीं फिर लोग तो अभी तो नहीं है। नहीं नहीं अभी नहीं की, अभी जेल बन रहा है, कर लूंगी। अच्छा पसंद से शादी कर रहे हैं? हां मैं पसंद तो करती हूं लेकिन कर लूंगी। अच्छा यानी अभी जो है एक राज है जिसको आप खोलना नहीं चाहते? जी बिल्कुल ऐसे ही। और आपका कहना यह है कि जब चांद चढ़ता है तो सब देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि हर एक का कोई ना कोई पसंदीदा रंग होता है, आपका पसंदीदा रंग कौन सा? मुझे तो हर कलर पसंद है, लेकिन मैं ज्यादातर ब्लैक कलर पसंद करती हूँ। ब्लैक कलर, लेकिन आपको तो ये जो है दूसरा कलर पहन के परफॉर्म कर रही है, ब्लैक कलर में तो आपको तो मैंने किया है पिछली, मैंने धमाल की है, वो मेरी आउट क्लास गई है, और उस धमाल में मुझे काफ़ी सही नाम हुए हैं, मेरे लोगों ने लाइक किया है, फैमिलीज देखने आई हैं, और मैंने धमाल में ब्लैक कलर ही पहना था। अच्छा अगर कभी आपको मुस्तकबिल में टीवी ड्रामा डायरेक्ट करना पड़े तो क्या आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना चाहूँगी, क्योंकि ये काम है ये सभी को, यानी कि जिधर काम मिले आर्टिस्ट वो है जो हर काम कर जाए। अच्छा टीवी में आपका कौन सा पसंदीदा अदाकार या अदाकारा? अच्छा टीवी में मतलब सभी हैं, मतलब सबको लाइक करती हूँ जो टीवी करते हैं, टीवी ड्रामों में सबको लाइक करती हूँ। फिल्म में मेरी अदाकारा जो मैं जिसको लाइक करती हूँ वो सैमा है और सैयद नूर साहब है। नहीं सैयद नूर तो अदाकार नहीं है, वो तो मतलब कहने का मकसद यही है, और सारी बात है सैमा को हमेशा ही वो डायरेक्ट करते हैं स्क्रीन पर भी, और स्क्रीन के बाद मैं उसको लाइक कल मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा बताइए कि माशाल्लाह आप बातें भी बहुत अच्छी कर रही हैं,
मैं दोबारा आई हूँ, मैं प्रॉपर काम करूँगी, दिन में फील्ड में इन रहूँगी और इंशाल्लाह पहले भी मेरा नाम था और इंशाल्लाह मैं भरपूर तरीके से नाम अपना और बनाऊँगा। अच्छा, आप समझते हैं कि एक फनकारा की जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो आपने और बहुत अच्छी बातें की और बातें सुनी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, यकीनन आपको उनकी बातें पसंद।